अरे ऋषिवर, हाथ मत जोड़िए। इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए, अपनी नमस्कार मुद्रा को आशीर्वाद मुद्रा में बदल दीजिए। बात को समझिए, मैंने ये अवतार मैया और लल्ला के अद्भुत संबंध का अनुभव करने के लिए लिया है, पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंध ही बदल जाएगा। अब आप सब कुछ जान चुके हैं ऋषिवर, इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को उजागर मत कीजिए। अपने शिष्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिवर, आप मौन क्यों हैं? और आपकी आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक है ना? अब तो आप हमारे लल्ला का नामकरण करोगे ना? इन दोनों का नामकरण करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री। परंतु ये गोपनीय रूप से करना होगा। अवश्य ही स्वामी का आग्रह होगा, ताकि कंस की बुरी दृष्टि हमारे पुत्र पर ना पड़े। ये तो बहुत महान ऋषि हैं, इन्हें कंस के अत्याचारों के बारे में अवश्य पता होगा। अपनी संतान का नामकरण संस्कार करना एक माँ के लिए उत्सव से कम नहीं होता है, पर यह छुपकर करना होगा। आप दोनों को स्वीकार तो है ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्वीकार है गुरुदेव। तो फिर कहाँ करना है हमें नामकरण का प्रबंध? गुरुदेव, मंदिर सही रहेगा? उससे पवित्र स्थान तो हो ही नहीं सकता है। ऋषिवर, आप तनिक विश्राम कीजिए, हम लोग प्रबंध करते हैं। मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीत करना चाहूंगा। ये तो इनका सौभाग्य होगा, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, स्वयं भगवान होकर भी आपको बंदी गृह में जन्म लेना पड़ा। अब अपनी मां को छोड़कर दूसरी मां के यहां पलना पड़ रहा है। जब से गोकुल आए हैं, छुप छुप कर रहना पड़ रहा है। इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के इतने ही आक्रमणों का सामना कर चुके हैं आप, और जिस उत्सव में सभी सप्तऋषियों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बन कर आना चाहिए, उस नामकरण उत्सव को यहां एकांत में करना पड़ रहा है। क्यों प्रभु, इतने कष्टों को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए।
पर इसके लिए इतने कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे ऋषिवर। मानव जीवन की आंच जला रही है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, ये कैसा अनोखा अवतार है। आंच में जलकर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूंगा मैं? आज एक कंस का प्रकोप है, भविष्य में सहस्रों कंस होंगे और आने वाले युगों में होंगे अनगिनत कंस। उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कष्टों को कैसे सहना है और धर्म के पथ पर अडिग कैसे रहना है। आप धन्य हैं प्रभु। देखा अस्ति, जब सिंह दहाड़ता है तो वन के सभी जीव जंतु इकट्ठे हो ही जाते हैं। वो सब जो मेरा विश्वास पात्र होने का अधिकार और ये सिंहासन पाना चाहते हैं सामने आए। बुद्धि के बिना बल अपंग होता है महाराज, और मेरे पास बुद्धि और बल दोनों हैं। आप केवल आदेश दीजिए किसका संहार करना है। सारी तैयारी हो गई। बोलो। आप गुरुदेव को बुला लो, मैं रोनी जिज्जी और बालकों को ले आती हूँ। यशोदा, तुम रुष्ट तो ना हो ना मुझसे। मैं भला रुष्ट क्यों होने लगी? नहीं, तुम जो उत्सव बड़े धूमधाम से करना चाहती थी और बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि हमारे लल्ला का नामकरण स्वयं ऋषि गर्ग पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। मैं समझ गई, उत्सव बड़ा हो या ना हो प्रसन्नता बड़ी होनी चाहिए। अरे मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि दोनों भाइयों का नामकरण आज के शुभ मुहूर्त पे हो रहा है। तो इससे पहले जो बीत जाए, जाओ। आप ही बुला लो। यहाँ सब के सब एक से बढ़कर एक है, तो फिर अपने कार्य के लिए किसका चुनाव सबसे पहले करूं? मेरा सामर्थ्य तो आपने अभी तक देखा ही नहीं महाराज, चुटकी बजाकर शत्रुओं का विनाश कर सकता हूं मैं। वाह, किंतु आपने तो बताया ही नहीं कि करना क्या है। वध करना है, एक नवजात बालक का वध। उसे साधारण बालक मत समझना। गोकुल में नंद के घर पल रहा वो बालक विष्णु का अवतार है। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों छा गया? क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं नन्हे बालकों के साथ हिंसा नहीं करता। कृष्ण अवतार बड़ा छलिया है महाराज, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। जाने दो इन्हें, वैसे भी इस सिंहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं, जाने दो। जाए, क्या कहा था मैंने,
मैंने कहा था केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि वो मृत्यु मृत्यु से टक्कर ले जाए। वही होगा इस सिंहासन का असली अधिकारी। महाराज, ना तो आपके दिए इस सम्मान का कोई मूल्य रह गया है और ना ही आपके भय का। अभी अभी आपने ही कहा था ना कि जब वन में कोई सिंह दहाड़ता है तो उस वन के सभी जीव जंतु एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, परंतु उसी वन में जब कोई बब्बर सिंह दहाड़ता है तो वही जीव जंतु भय के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बब्बर सिंह बन चुका है। उसका भय हमारे साम्राज्य की नींव हिला रहा है महाराज। हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे माँ सरस्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वोत्तम नामों का चुनाव कर पाऊं। आपके पुत्र को बड़े भाई के कर्तव्य का निर्वाह करना है और इस दायित्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निभाया है। जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाइयों के साथ था, मैं श्री नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने छोटे भाई के साथ हो। इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम। बड़े भाई में आदर्श न्याय संकल्प बल के साथ साथ शारीरिक बल भी होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा, इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित्व के लिए सबसे उचित है वो है बलराम। बलराम बलराम बलराम। तो फिर उसका नाम बल बल राम रखना। कैसा अद्भुत संयोग है ऋषिवर। जब इसके जन्म की सूचना देने मैं वसुदेव भैया के पास मथुरा गया था तब उन्होंने भी यही नाम रखा था बलराम। ये संयोग नहीं नारायण की इच्छा है नंदराज। बलराम से अधिक उपयुक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर मैं तो दाऊ कहकर ही बुलाऊंगा इन्हें बलदाऊ।
सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम बलराम बलराम, बलराम, बलराम। गुरुदेव, कितना अद्भुत नाम दिया है आपने इसे। अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो। ये कठिन दायित्व आपने ही मुझे सौंपा है प्रभु, इसे निभाने की क्षमता भी आप ही दीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। क क बना है कमलकान से, अर्थात वो जो श्रीपति विष्णु जैसा हो। री री की उत्पत्ति हुई है श्री राम से, अर्थात वो जो सबके हृदय में बस जाए। श ऐश्वर्य के स्वामी विष्णु के लिए, अर्थात वो जो समृद्धि लेकर आए। और ना ना है नरसिंह के लिए, अर्थात वो जो रक्षा करे। और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अग्निदेव का, अर्थात वो जो स्वयं तप कर सबको पवित्र कर दे।
आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। असुरी कार्य करने वालों के लिए कृष्ण नाम का अर्थ एक और भी होगा, वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया। पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नाम का अर्थ होगा। अतुलनीय सुंदरता और अथाह प्रेम, इन दोनों विशेषताओं का साक्षात स्वरूप होगा ये कृष्ण। कृष्ण जे नाम अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा, जे ही तेरी मैया का आशीर्वाद। संसार मुझे कृष्ण बुलाए या नीलमणि कहकर पुकारे, मैं रहूंगा तो बस यशोमती मैया का नंदलाला। गुरुदेव, आपने मेरे लल्ला को इतना प्यारा नाम दियो है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गोपियों को पता चलेगो तो देखना कैसे रटने लगेंगी मेरे लल्ला का नाम। इससे पहले कि आप सब बाहर जाकर किसी और को बताएं, एक कर्मकांड शेष है। नामकरण के बाद पिता को आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ उपहार बालक को अवश्य देना चाहिए। मैं क्या दूं? वासुदेव मेरे शिष्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में ये दायित्व मैं निभाऊंगा। इसे अपने पिता की ओर से स्वीकार करो पुत्र। कल्याण हो। क्या दूं मैं इसे? आप सोच क्या रहे हो? आशीर्वाद दो ना अपने कृष्ण को। अच्छा, सोच रहा हूं कि लल्ला को क्या दूं। <स्थ
लल्ला, तू स्वयं ही बता दे तुझे क्या चाहिए। देखो जी, लल्ला ने ही आपकी उलझन समाप्त कर दी। मेरा आशीर्वाद कि तेरा जे नाम कृष्ण तेरी प्रजा के लिए बहुत हितकारी हो। गुरुवर, आप भी इसे आशीर्वाद दें। जिनके आशीर्वाद से यह पूरा संसार संचालित होता है, उन्हें मैं क्या आशीर्वाद दूं? आपने तो मुझे मेरा नाम दिया है ऋषिवर। ये तो मेरा सौभाग्य था प्रभु कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। पर आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ ऋषिवर, एक विनती और है मेरी। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा मुझे? बाबा को मेरी वास्तविक पहचान बतानी होगी आपको, और इन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि ये मैया को कभी भी मेरा सत्य पता ना चलने दे। पर प्रभु, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आप ही कर पाएंगे ऋषिवर, क्योंकि अब आप इस कृष्ण अवतार के मुख्य उद्देश्य को जानते हैं। बंद करो, बंद करो ये दुनिया। कौन सी दुनिया? ये दुनिया बंद करो, बंद करो। क्या सुनाई दे रहा है आप? ये शाम तुम्हें चारों में कूद रहा है। भरत भरत हो जी। रुक जाइए। कुछ मुझे मारा है। आप भूल रहे हैं कि आप मथुरा नरेश है, कंस है आप, और किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना से महाराज कंस इतने व्यथित नहीं हो सकते कि वो सुदबुख खो बैठे। स्वयं को संभालिए महाराज। बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गया वो स्वर, बंद हो गई वो ध्वनि। यूं मत सोचना कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा था। तुम सत्य कह रही हो, मैं कंस हूं, किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना से व्यथित नहीं हो सकता। दुर्जन जी महाराज, इस सिंहासन को पुनः स्थापित करो। यदि कोई भी योग्य है इसे स्वयं सिद्ध करने नहीं आता तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे उस दुष्ट बालक का संहार करना है। मैं भली भांति जानता हूं। ये दायित्व आपको ही निभाना होगा ऋषिवर। इससे दो लाभ होंगे, एक तो मेरे बाबा कंस के कारण होने वाली चिंता से मुक्त हो जाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर मेरी पहचान को मैया से सुरक्षित रखने में सहायता भी करेंगे। नंदराज, अब बलराम और कृष्ण दोनों को भूख लग गई होगी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं नंदराज, मुझे शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। राजा वासुदेव और रानी देवकी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
पर इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे आपको कुछ बताना है। गुरुदेव, आपके ललाट पर बल पड़ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप मुझे कंस के बारे में तो ना बताना चाहते? गुरुदेव, मैं जानता हूं कि कंस नवजात शिशुओं की हत्या करवा रहा है। कंस नहीं, कृष्ण के बारे में कुछ कहना है मुझे। बताइए गुरुवर। मैं एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं नंदराज, जो है तो वरदान, पर उसे स्वीकारना आपके लिए बहुत कठिन होगा। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ ना पा रहा हूं, बताइए ना। बताइए ना गुरुवर। सत्य यह है नंदराज, कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, विचित्र लग रहा है, कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। शिव, ये कैसे संभव है गुरुदेव? वो तो नन्हा सा बालक। वो श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? और गुरुदेव, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो मेरा लल्ला वसुदेव भैया का पुत्र है? यही सत्य है नंदराज, पिछले जन्म में मिले वरदान का फल है ये। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। इस समय मैं विवश हूं। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, प्रभु। श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। दो जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और दो जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। धरा! माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। ये जो भी हो रहा है प्रभु की ही लीला है।
कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद भगवान विष्णु के आदेश पर वासुदेव जी के यहां आना पड़ा और आपकी और रानी यशोदा की पुत्री को अपने पुत्र के साथ बदलना पड़ा और इस तरह कृष्ण आपके और रानी यशोदा के पुत्र बन गए। आपने सही कही थी गुरुदेव, जिस सुनने में तो वरदान ही लगतो, पर इसे स्वीकार करना उतना ही कठिन। जब यशोदा को इस बात का पता चलेगो तो उसे कैसा लगेगो? अपने नाम का अर्थ अच्छे से सुनो है ना तूने? उसका हर एक अक्षर भगवान श्री नारायण से संबंधित है, जैसे उन्हीं का स्वरूप है तू। बस मैया, ये सत्य आपसे छुपा रहे इसी कारण बाबा के लिए ये जानना आवश्यक है, फिर चाहे इसे स्वीकार करना उनके लिए कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। नहीं नंद, ये सत्य उन्हें आप नहीं बताएंगे। स्वयं प्रभु ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं। गुरुवर, कंस के आक्रमणों की जानकारी यशोदा से पहले ही छुपाकर रखना कठिन था, अब इतना बड़ा सत्य मैं यशोदा से कैसे छुपाऊंगा? आपको छुपाना ही होगा नंदराज, यही प्रभु की इच्छा है। पर क्यों गुरुवर? ताकि नारायण अपनी मैया की ममता का अनुभव कर पाए, यही तो उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य? हां नंदराज, नर नारायण के अवतार में अपनी तपस्या करते समय प्रभु ने जो अनुभव किया था, उसके कारण ममता के सुख का अनुभव करने के लिए प्रभु व्याकुल हो उठे थे। ऐसा क्या हुआ था मुझे भी बताइए, हो सकता है ये बात इस सत्य को स्वीकार करने में मेरी सहायता करे। बहुत समय पहले की बात है, अनेक देवी देवता परम प्रभु विष्णु के पास बैकुंठ गए थे। वहां प्रभु की आंखों में आंसू देखकर वो सभी स्तब्ध रह गए। प्रभु, आपकी आंखों में आंसू? चिंता मत कीजिए, आप सब तो जानते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मैंने नरसिंह अर्थात आधे मानव और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया था। उस राक्षस का वध करने के बाद नर और सिंह दोनों भागों ने अलग अलग होकर नर और नारायण के रूप में पुनः जन्म लिया। वर्तमान में वो दोनों बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आज उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे भी भावुक कर दिया। सखा, ये युवक कौन है? निकट के एक गांव के धनी व्यापारी का पुत्र है ये। प्रत्येक संध्या
वन के उस पार ही अपनी प्रेयसी से मिलने जाता है और फिर रात्रि भर उस नर्तकी के साथ सहवास करने के बाद सुबह अपने निवास को लौट आता है। यदि यही इसका नित्य क्रम है तो फिर आज ये इतने तनाव में क्यों है? कल रात्रि प्रेम क्रिया के मध्य उस नर्तकी ने इससे पूछा, ये सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? जब इसने कहा तुमसे, तो वो बोली, तुम्हें अपने प्रेम को सिद्ध करना होगा, अपनी मां के हृदय को उसके तन से अलग कर मुझे सौंपना होगा। मां का हृदय? फिर क्या हुआ प्रभु, वो लाया अपनी मां का हृदय? ये जिज्ञासा यक्ष प्रश्न बनकर पूरे दिन नर और नारायण के मस्तिष्क में कौन थी रही। उन्होंने संध्या होने तक वहीं नदी किनारे प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, ताकि वो ये जान सके कि क्या वो युवक अपनी क्रूर प्रेयसी को छोड़ेगा या वासना में अंधा होकर अपनी ही माता की हत्या करने का जघन्य अपराध करेगा। अब उसके वन पार करने का समय बीत चुका है। युवक ने विवेक का परिचय दिया है सखा। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सखा, सखा मुझे बताओ, जो अकल्पनीय था कहीं वो घट तो नहीं गया? जब इस युवक की मां को इसकी प्रेयसी की क्रूर मांग के बारे में पता चला तो जो उसने किया वो इस समस्त संसार में केवल एक माँ ही कर सकती है। बस इतनी सी बात? संभाल के मेरे बेटे, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। संभाल के मेरे बेटे, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। संभाल के मेरे बेटे, चोट ना लग जाए तुझे। ये तो उसकी मां की पुकार है। मां, मैंने क्या कर दिया? मां, मां,